हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एनिमे की एडेप्टेशन काउबॉय बीबॉप के सीजन 1 की सीरीज को, जिस सीरीज के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन फिर भी रिव्यू लेट है, जिसके पीछे का रीजन मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले आपके कुछ डाउट्स को क्लियर कर देते हैं इस लाइव एडेप्टेशन की सीरीज से रिलेटेड। जैसे कि इस सीरीज के नेटफ्लिक्स पर टोटल 10 एपिसोड्स को रिलीज किया गया है और हर एक एपिसोड की लेंथ 40 से 50 मिनट तक की है, यानी कि यह सीरीज आपके आराम से 8 से 9 घंटे ले लेती है, जिसे आप अनफॉर्चुनेट अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। बाकी सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है, जिसकी हिंदी डबिंग मुझे ठीक लगी है। इसके अलावा आप कहानी की बात करें तो कहानी एनिमे की ही तरह एक ऐसे फ्यूचर से बिलोंग करती है, जहां पर क्राइम का रेट काफी ज्यादा बढ़ चुका है और क्रिमिनल्स अर्थ को छोड़कर यूनिवर्स के दूसरे दूसरे प्लेनेट में जा जाकर रह रहे हैं, जिसके बाद उन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी बाउंटी हंटर को दी जाती है, यानी कि काउबॉय को, जिसमें हम सीरीज के 3 लीड कैरेक्टर को देखते हैं। हालांकि एनिमे में शुरुआत 2 लीड कैरेक्टर से की गई थी, लेकिन सीरीज में शुरुआत से ही 3 कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था और चौथे कैरेक्टर को मिसिंग रखा गया है। लेकिन उन 2 कैरेक्टर्स की बात करें तो एक ऑब्वियसली स्पाइक स्पीगल है और दूसरा उसका पार्टनर चेट ब्लैक। इसके अलावा तीसरा कैरेक्टर फे वैलेंटाइन का है, जो अपनी इस जर्नी में हर एक एपिसोड में किन किन मुसीबतों का सामना करते हैं, साथ ही साथ स्पाइक और जेट ब्लैक की स्टोरी में, खास करके स्पाइक के पास में ऐसे कौन से राज छुपे हुए हैं जिसे स्पाइक अपने पार्टनर को बताना नहीं चाहता, और जेट ब्लैक के कैरेक्टर में इस बार फैमिली के एंगल को भी डाला गया है, जिसे एनिमे में पूरी तरीके से इग्नोर किया गया था, और उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन अब वही जो सवाल निकल कर आता है कि क्या आपको आपका समय इस नेटफ्लिक्स की लाइव एडेप्टेशन के लिए देना भी चाहिए या नहीं, तो चलिए उन डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन अब बनती है मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं कि इस सीरीज के रिव्यू के लिए मैंने इतना ज्यादा टाइम क्यों लगाया है, तो वो है एक्चुअल में टाइम जो मैंने इस सीरीज को हिसाब से काफी ज्यादा कम दिया। हालांकि ये सीरीज मेरी मोस्ट एंटिसिपेटेड की लिस्ट में थी, बट अनफॉर्चुनेट उस पर खरी बिल्कुल भी नहीं उतर पाई। यही कारण है कि मैंने इस सीरीज को टुकड़ों में देखा है और फाइनली जाकर मैंने इस सीरीज को अभी ही तुरंत खत्म किया है, वो भी जबरदस्ती, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आपको आपका समय सीरीज के लिए देना भी चाहिए या नहीं। तो मेरा सिंपल ओपिनियन यही रहेगा, या फिर कह लो एक स्ट्रिक्ट वार्निंग, कि अगर आपने 1998 में बने हुए एनिमेशन शो को नहीं देखा है, जिसके शो में 26 एपिसोड्स थे और हर एक एपिसोड्स की लेंथ 20 से 25 मिनट की थी, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इस सीरीज पर टाइम देने से अच्छा यही है कि आप जाकर उस एनीमे को देख लो, उसके बाद जाकर इसी एनीमे पर कंटिन्यू की गई साल 2001 की एक फिल्म को भी देख लीजिएगा, ताकि आप काउबॉय बीबॉप के यूनिवर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सको। और वो सीरीज यानी कि वो एनीमे ये काम करती भी है, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट की लिस्ट में भी है। और अगर आपको सीरीज के बारे में और भी जानना है, तो उसका रिव्यू आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर दिख रहा होगा, जिसमें मैंने उस सीरीज से रिलेटेड कई सारी बातें की थी। लेकिन बात करें लाइव एक्शन की, तो इसमें बात करने जैसी चीजें तो ज्यादा है नहीं, क्योंकि कुछ सीन को फ्रेम बाय फ्रेम उठाकर कॉपी किया गया, मानो जैसे कि क्रिएटर्स के पास उनकी खुद की ही सोच नहीं थी कि वो फैंस के लिए लाइव एडेप्टेशन को किस तरीके से अडेप्ट करें। जबकि अगर देखा जाए तो काउबॉय बीबॉप का यूनिवर्स इतना ज्यादा बड़ा है, यानी कि इसकी दुनिया जिसकी शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्रिएटर्स को सीन बाय सीन कुछ सीन को कॉपी और पेस्ट करना था, और हाँ डायलॉग्स को भी, जिसे कर उन्होंने एनिमे फैंस की नजर में इस सीरीज की वैल्यू बहुत ही ज्यादा गिरा दी, क्योंकि क्रिएटिव टीम के पास अपनी खुद की क्रिएटिविटी के बजट और VFX को दिखाने में ही खर्च हो गए, जिस कारण से उन्होंने कैरेक्टर्स की जिस तरीके से बैक स्टोरी को बुना है, वो सिवाय हमारे टाइम को वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं करती। खास करके स्पाइक का पास्ट, जिसमें स्टोरी विक्टोरिया और जूलियस की इतनी ज्यादा दिखा दी गई है कि हमें उससे बहुत ही ज्यादा बोर होता है। जबकि अगर एनिमे की बात करें तो एनिमे में ये पूरा का पूरा फंडा ही अलग था, और हाँ उसकी प्रेजेंटेशन भी, जो काफी कमाल की थी, और उसी कमाल की प्रेजेंटेशन यानी कि जैज जैसे बेहतरीन BGM और कुछ सॉन्ग्स को ऐड कर किया गया है, और हाँ इसकी जापानीज लैंग्वेज में वहां के फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए ओरिजिनल वॉइस कास्ट को बुलाया गया, जो कि एक अच्छा स्टेप है। अब बात रही BGM की, तो इस शो में भी हमें कमाल के BGM सुनने के लिए मिलते हैं, लेकिन अगेन एनिमे के लेवल के बिल्कुल भी नहीं। बाकी जिस तरीके की सिनेमेटोग्राफी इस सीरीज में प्रेजेंट की गई है, उसे भी कॉपी एनिमे के यूनिवर्स से ही किया गया है, जिसमें ये सीरीज कुछ हद तक ही पास हो रही है। और अब बात करें कैरेक्टर की डेवलपमेंट की, तो सॉरी टू से इस सीरीज में वो चीज पूरी तरीके से मिसिंग है। लेकिन हाँ, अगर परफेक्ट कास्टिंग की बात करें, तो जेट ब्लैक के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे एक्टर मुस्तफा साकिर अपने रोल में जान डालते हुए नजर आते हैं, बाकी और कोई भी नहीं। इसके अलावा एक और कैरेक्टर हमें सीजन 2 का हिंट देते हुए नजर आता है, जिसके कुछ ही सेकंड्स के अपीयरेंस ने मुझे इतना ज्यादा इरिटेट कर दिया। तो सोचो सीजन 2 में वो कैरेक्टर जिसे हम सबसे ज्यादा पसंद करते थे एनिमे की सीरीज में, क्योंकि वो कैरेक्टर एक बच्ची थी और उसकी हरकतें भी काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन इसके सीरीज में यानी कि लाइव एडेप्टेशन में उसकी प्रेजेंटेशन बहुत नहीं बल्कि हिसाब से बहुत ही ज्यादा गंदी है, जिस पर स्पॉइलर के चलते मैं ज्यादा बात तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और सलाह उन लोगों के लिए जिन्हें एनिमे देखना पसंद नहीं है, तो वो लोग इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगेन
टुकड़ों में, क्योंकि एक साथ बैठकर देखने जैसी ये सीरीज है नहीं। रीजन मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर भी सीजन 2 से मैं थोड़ी बहुत उम्मीद लगा कर रख सकता हूँ, जिसमें अगर एपिसोड्स कम और कहानी को पूरी तरीके से पैकअप पर डाल दिया जाए तो ये शो इसके सीजन 2 में ठीक हो सकता है। वरना सीजन 1 की तरह होने अगर सीजन 2 को भी बेकार करना है, जिसे अगर ग्रीन लाइट मिल गई, तो फिर उसे भी फ्लॉप होने से कोई भी बचा नहीं सकता, क्योंकि सीजन 1 से ही लोगों की डिसअपॉइंटमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है इसके सीजन 2 को ना देखने की। और अब सीरीज के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें, एक्टर्स की परफॉर्मेंस और सिनेमेटोग्राफी को छोड़कर, तो फिल्म की सेट डिजाइनिंग, साउंड स्कोर, कलर करेक्शन, फोटोग्राफी और हाँ कॉस्ट्यूम की भी डिजाइनिंग ठीक है, बट अनफॉर्चुनेट इसकी एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं, जिसे अगर निकाल दिया जाए तो ये शो क्लियरली सीजन 1 में सिर्फ 6 ही एपिसोड्स का रहेगा, उससे ज्यादा का बिल्कुल भी नहीं। इससे आपको काफी अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि सीरीज के कितने मोमेंट्स को बोरिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी ना बोर करते हुए सीधे आ जाते हैं सीरीज की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूं इसके सीजन 1 के एक्शन की, एक्शन के लिए 5 में से 3 स्टार बिल्कुल ठीक रहेगी। कॉमेडी के लिए सिर्फ 1.5 स्टार, जो इसमें है पर हंसाने में बिल्कुल नाकाम रहे। बाकी ड्रामा के लिए बनते हैं 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार, क्योंकि स्टोरी कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं करती, जो काउबॉय बीबो के यूनिवर्स के लिए लाइव एडेप्टेशन के मामले में बहुत ही बुरी है। बाकी सस्पेंस सीरीज में है, बट मेरे लिए वो सस्पेंस कुछ खास नहीं था, क्योंकि मैंने एनीमे देख रखा है जिसमें ये रेटिंग 0 ही डिजर्व करेगी। बाकी लोगों की नजरों में सस्पेंस की रेटिंग 5 में से 2 स्टार की बनती है, जिन्होंने लाइव एडेप्टेशन नहीं देखी है। और इस सीरीज के सिर्फ और सिर्फ थ्रिल की बात करें, तो इस कैटेगरी में मैं इस सीरीज को 5 में से 1.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा। बाकी बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये सीरीज B- की कैटेगरी डिजर्व करती है, यानी कि काफी ठंडी सी टाइम पास सीरीज, जिसे वो लोग खाली समय में बैठकर देख सकते हैं और उनका टाइम पास भी हो जाएगा। बाकी बात रही क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की भी तरफ से इस सीरीज को कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं किया गया है, जिसके चलते क्रिटिक्स की नजरों में सीरीज की रेटिंग C+ की है। और बात करें मेरी, तो मेरा एक्सपीरियंस इस लाइव एडेप्टेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा बुरा था, जिस कारण से मैं सीरीज को C की कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि टोटल टाइम वेस्ट, जिस पर मुझे नहीं लगता है कि आपको आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन मैंने आपको इसके एनीमे का दे दिया है, बाकी मर्जी आपकी है। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।